कोर्ट का आज का फैसला है, चलिए यहीं से शुरू करते हैं, बाकी अनुराग ठाकुर के बयान पर और बाकी बातों पर बाद में आऊंगा। सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है कि एससी एसटी रिजर्वेशन में भी अब सब कोटा हो सकेगा, राज्य सरकारें तय कर सकेंगी, आप कैसे देखती हैं इस फैसले को? देखिए 1992 का जो इंदिरा साहिनी जजमेंट था उसमें इसे ऑलरेडी केटर फॉर किया गया था, क्योंकि क्रीमी लेयर की जब बात होती है तो जिन लोगों को ही आरक्षण का लाभ मिला है उन्हें ही उन्हें मिलता रहे, ये बात गलत है और इसीलिए उसमें सब कोटा करने की जरूरत थी और ये हमारे पंजाब सरकार ने मांगा था और इसको ही उन्होंने एग्री किया है। और देखिए तो जरा किस जज ने इसका विरोध किया, बेला त्रिवेदी, यानी कि प्रिविलेज्ड लोग ही विरोध करेंगे, ये साफ दिखता है। अभी मैं बहुत देर से देख रही थी, आप असमंजस भी समझ रही हूँ, नहीं जजों पर टिप्पणी, ये क्या है, जजों पर ऑफेंस लेता हूं, नहीं करना चाहते जी, मानव जी, मानव जी, सुप्रीम कोर्ट की जज अगर अपने डिसेंट ओपिनियन देती है, प्रदीप 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 एक सेकंड, प्रदीप एक सेकंड, वन सेकंड, आपको सबने सुना, प्रदीप अनुमा जी को सुनना चाहिए, लेकिन अनुमा जी मुझे ऐसा लगता है इस पैनल में क्या कोई भी आपसे सहमत नहीं होगा, जजों पर इस तरह को उनको इस बहस में मत घसीटिए, चलिए आगे चलिए। मैं एक चीज आपको बहुत साफ बता रही हूँ कि प्रिविलेज्ड जो लोग हैं, आप और हम भी प्रिविलेज्ड क्लास से ही आते हैं, इससे हमको कभी ये नहीं कहना चाहिए कि नहीं नहीं नहीं, सच बोलने में क्या गुरेज होना चाहिए। जो मैं आपसे सामने बात कह रही हूँ कि जहाँ क्या हमारे देश में जो राहुल गांधी सवाल पूछते हैं, अब यूं तो होना तो यूं चाहिए कि जन्म जात मत पूछिए, का जात अनुपात, रैदास पूत सब प्रभु के, कोई नहीं जात कुजात, यही होना चाहिए। लेकिन ये कब होना चाहिए, जब सब बराबरी से एक दूसरे को देखें। देश का संविधान क्या कहता है, देश का संविधान बोलता है हम समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य हैं, हमारा हर एक व्यक्ति बराबरी का है। क्या ऐसा हो पाया है, जैसा कि राहुल गांधी जी ने बताया था कि अगर 95 लोग जुडिशियल हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं जो हमारे देश की नीतियां निर्धारित करते हैं, उसमें अगर केवल 3 दलित और पिछली जाति के हैं तो क्या हम उस मकाम तक पहुंचे हैं? हम जो भी कुछ कह लें, 2011 में आप कहते हैं कांग्रेस ने जनगणना कराई थी तो उस समय क्यों लागू नहीं किया, जिन लोगों ने उस समय जनगणना की थी, जातिगत जनगणना की थी, उसको लागू करना चाहिए था, ठीक है, जो भी कांग्रेस ने नहीं किया, हम कहते हैं 3 साल वो क्यों पर बैठी रही, तो आगे आने वाली सरकार को तो 10 साल हो गए, 11वां साल चल रहा है, कर देना चाहिए था लागू, क्यों नहीं किया। तो अच्छा, आज का जजमेंट सराहना करती हूँ, आज का जजमेंट सराहना करती हूँ, 6-1 से आया, मुझे बहुत अच्छा लगता कि वो 6-6 से आता, जिससे वो भी जो बात मैंने कही, ये जज के ऊपर बिल्कुल नहीं है मेरा प्रहार, कतई ही नहीं, जुडिशियरी पर नहीं है, लेकिन उस सरनेम त्रिवेदी जहां से उस चीज का मना किया जाता है उस बारे की बात कर रही हूँ, आपको समझना। अच्छा, आपने कहा ये सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट या प्रिविलेज ये नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अरे अनुराग ठाकुर भी तो वही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं सबकी जाति आप पूछो, जाति गणना करो, हमने उनकी जाति पूछ ली तो उनको सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट फील हो रहा है, क्यों नहीं बता देते अपनी जाति? उन्होंने जाति नहीं पूछी, आप जानते हैं ना किस तरह से हमारे यहाँ, देखिए हिंदी बेल्ट से आप भी आते हैं, मुझे मत कहिए जी मैं नहीं आता, हिंदी बेल्ट में इस तरह से, अरे जिसकी कोई जात का ही पता नहीं इस तरह से कब बोला जाता है, जाति पूछी नहीं थी, वो इतने सभ्य और शिष्ट होते तो क्या ही बात थी, लेकिन जिस उजग्यता से, जिस असभ्यता से, जिस अशिष्टता से उन्होंने संसद में इस चीज पर बोला, अनुराग ठाकुर की क्या जाति है, प्रेम कुमार धूमल के बेटे यही जाति है ना, इसी तरह से एक हम देखते हैं जो सिंधिया जी के बेटे हैं आर्यमन सिंधिया, उनको क्रिकेट बोर्ड का कुछ अध्यक्ष बना दिया गया है ये इधर मध्य प्रदेश का, क्या जाति है उनकी, यही जाति है ना, तो ये प्रिविलेज होना जाति है। जाति की बात जब हम करते हैं तो मेरा एक चीज आपसे मैं कहना चाहूंगी कि इस तरह से संसद में जो संविधान द्रोहिता हुई है उस पर अंकुश लगना चाहिए, और ऊपर से जिस हिस्से को निकाल दिया गया था उसको देश के प्रधानमंत्री रीट्वीट करते ट्वीट करके लोगों से कहते थे, सुनिए ये भौंडेपन को वो ह्यूमर कह रहे हैं, इस तरह की जो घटिया भाषा है उसको वो चाहते हैं कि उसमें आप किसी तरह का कटाक्ष ढूंढ ले। अरे इस देश के डिस्कोर्स को क्या हो गया है, कहां जा रहे हैं हम, क्या ये बातें हैं करने की? अच्छा हनुमा जी, ओके एक चीज और बताइए, ये बातें हैं कि सबको हमें बराबरी पर लाना होगा, ठीक है ओके। आपने आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया, मतलब आप ये मानती है ना कि कुछ प्रभावशाली जातियां ये आरक्षण की सारी मलाई खा जाती हैं और कमजोर जातियों को ये फायदा आज तक नहीं मिला, बहुत सारी ऐसी जातियां हैं जो कमजोर हैं, इनके लिए सब कोटा होना चाहिए? पहले की सरकारों ने प्रयास किए हैं इसके लिए, नहीं हो पाया तो आज सुप्रीम कोर्ट का जो जहां जहां विसंगतियां हैं और वहां वहां अगर न्यायालय की तरफ से भी अगर वो आता है तो उसका स्वागत करना बहुत जरूरी है। और मैं ऐसा मानती हूं
कि जिस तरह से हमारे देश का संविधान है उसकी अगर हम आज जो सत्ता में सरकार है क्या उसे संविधान के हिसाब से खुद जाति जनगणना करवाने के लिए आगे नहीं आना चाहिए? क्या हमको पिछले जन्म में पीछे तरफ लेके जाना चाहिए? अगर हम श्रीराम की बात करें तो शबरी को ले लीजिए, कम से कम उद्धार के लिए वहां राम थे शबरी के, लेकिन कर्ण को तो नुकसान हुआ ना, एकलव्य को तो अपने अंगूठे का दान करना पड़ा ना, तो हम क्या उसी युग में रहेंगे जब एक किसी को सूत पुत्र कह के अपमान किया जाता था? एग्जैक्टली अनुमान जी, यू हैव जस्ट ब्रॉट मी टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे जहन में था ये सवाल लेकिन आपने बिल्कुल वही पॉइंट पर लाकर मुझे खड़ा कर दिया। 1980 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई, 90 तक आपने लागू नहीं किया। आपकी पार्टी का नारा हमेशा यह रहा, जात पर ना पात पर मोहर लगेगी हाथ पर। आपने हमेशा जातिगत जनगणना के खिलाफ स्टैंड लिया। आपने कहा कास्ट पॉलिटिक्स देश में नहीं होनी चाहिए। अभी आपको खुलकर यह कहने का, मानने का समय भी आ गया है। जैसे राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना कि हां हमसे गलती हुई 2011 में महिला आरक्षण के समय, हमको सब कोटा ओबीसी के लिए मांगना चाहिए था। तो यह अब समय आ गया है कि आपको भी खुलकर यह कहना चाहिए कि हमने इतने दशक गलती की और देश में अब वो समय आ गया है कि जब यह जातिगत जनगणना होनी चाहिए और 10 साल में इन पिछड़ी जातियों के साथ इतना अन्याय हो गया कि हमने अपना स्टैंड बदल लिया। तो आपको कहां नहीं दिख रहा है, राहुल गांधी जी लगातार पिछले 3-4 सालों से तो लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ने इसमें अपना स्टैंड बदला है, डेफिनेटली दिख रहा है, हम सब उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर कोई चीज नहीं हुई 10 साल पहले हमने नहीं किया, हो सकता है, लेकिन हम एक डेड पार्टी नहीं, हम डायनेमिक पार्टी है। जिस तरह से देश बदल रहा है, जिस तरह से जरूरतें हैं उसमें, अगर हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर तबके का विकास हो ही नहीं रहा तो क्यों नहीं बदलेंगे? सबको बराबरी का अधिकार है, ये हमारा संविधान लागू करना सरकार का अधिकार। बहुत बढ़िया।